नमस्कार एनबीसी न्यूज की प्रदेश के खबरों में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूं। पहली खबर मिर्जापुर से है। पहाड़ी इलाकों में किसानों को अब पानी की समस्या को लेकर दो चार नहीं होना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत में पानी पहुंचाने के लिए मिर्जापुर लघु सिंचाई विभाग ने ब्लास्ट वेल तकनीकी के जरिए कुएं का निर्माण कराने का प्रस्ताव भेजा था, जिसकी स्वीकृति मिलने के बाद विभाग लगा है। जिले के पहाड़ी अंचल में बसे लालगंज पहाड़ी हलिया तथा राजगढ़ विकास खंड में गहरी बोरिंग तथा नारायणपुर एवं जमालपुर में मध्यम गहरी बोरिंग की जाएगी। इसके लिए 9 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बजट आते ही काम शुरू हो जाएगा। प्रयोग सफल रहा तो ग्रामीणों को पीने के पानी के साथ साथ पहाड़ी इलाके में भी किसानों को खेत में फसल लहलहाएंगी और वही पशुपालन करके खुशहाल होंगे। जनता को अभी पीने के पानी के लिए दूर तक भटकना पड़ता है। पेयजल के साथ ही सिंचाई की सुविधा न होने से बेहाल लोगों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जिले में 62 सामूहिक कुआ निर्माण कराया जाना है। एक कुआ 6,05,000 की लागत अनुमानित है। इसके ऊपर आने वाला व्यय समूह के द्वारा किया जाएगा। कुएं के निर्माण के बाद सोलर पंप भी लगाया जाएगा। हम लोग मिर्जापुर से 4 किलोमीटर पहाड़ के नीचे रहते हैं। यहाँ पानी का बहुत दिक्कत है। पानी यहाँ होता नहीं। हम लोग वही कई बार खोजते हैं, 700 मीटर दूर से पानी लाते हैं। नदी नाला जो झरना बता वहाँ से लाते हैं। न खेती बाड़ी कायदे से हो पाता है, न हम लोग पी सकते हैं कायदे से। पानी की भी दिक्कत है। गैया भैंस पालने में दिक्कत होता है। हम लोग को बहुत दूर से पानी लाते हैं। सरकार देखे तो हो सकता है पानी निकल जाए। हम लोग खेती पानी कर लें, साग सब्जी उपजा लें, उससे कमाई भी कर लेंगे। खाने पीने का भी सुविधा मिल जाएगा। ऐसे तो हर सीजन सामना दिक्कत करना पड़ता है। सरकार की योजना अच्छा रहेगा, अगर कर ले तो अच्छी बात है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ये पहाड़ी ब्लॉक हलिया लालगंज राजगढ़ इनके लिए ब्लास्ट वेल की उप योजना आई है, जिसके अंतर्गत 62 सामूहिक ब्लास्ट वेल का निर्माण किया जाना है। और इसके एक ब्लास्ट वेल की जो अनुदान राशि है वो 6.5 लाख दी गई है। और इसके अलावा जितनी भी अतिरिक्त राशि होगी वो समूह द्वारा स्वयं वहन की जाएगी। और इसके साथ साथ इसमें हम सोलर पंप का भी इसमें स्थापना किया जाना है। और इसी तरीके से जो एल्यूवियल सॉइल के हमारे ब्लॉक हैं नारायणपुर और जमालपुर, इनके लिए मध्यम गहरी और गहरी बोरिंग योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 205 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस तरीके से टोटल हमें 9 करोड़ का इस योजना के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इस योजना से यहाँ पे पानी की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक ठीक होगी। लोगों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, लोग पशुओं के लिए भी पानी की व्यवस्था होगी और इसका पीने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस कार्य योजना को हमें 1 साल के अंतर्गत पूर्ण करना है। और पहाड़ी इलाकों में यहाँ पे पानी की काफ़ी समस्या है। ग्राउंड वाटर पहाड़ी स्टोन होने की वजह से बोरिंग में भी बहुत बड़ी समस्या होती है। इसलिए जो ब्लास्ट वेल है इसमें हम 15 मीटर गहराई तक का कुआं खोदते हैं, जिससे पहाड़ों के जो क्रैक्स होते हैं उनसे पानी इसमें इकट्ठा होता है और जिससे किसानों को सिंचाई के लिए, पशुपालन के लिए और उनके पीने की व्यवस्था की जा सके। मिर्जापुर में पहले भी हुआ है, लेकिन ये अभी काफ़ी समय के बाद से ये फिर से ये योजना प्रधानमंत्री जी द्वारा ये लागू की गई है, जिससे मिर्जापुर को बहुत फ़ायदा होगा। NBCN न्यूज़ के लिए मिर्जापुर से अजय दुबे की रिपोर्ट।